आदरणीय नरेश जी जो हमारे पिता समान हैं और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब और बुजुर्ग महिला के पैर धोए थे, लेकिन आज दो बुजुर्ग इस बरेली में अपनी भूमि के अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसएसपी ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी। ये बिल्कुल पूर्णतया मानवाधिकार। नरेंद्र गुप्ता भाजपा सदस्य एवं 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक। किस कारण से बैठे हैं आप यहाँ पे? हमारे व हमारे लड़कों के नाम तहसील फरीदपुर जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में संक्रमणीय भूमि है। उस भूमि पर तहसील फरीदपुर का एक भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा, तहसील फरीदपुर के पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत से बगैर किसी प्रकार के हक एवं स्वामित्व के अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण लगातार करा रहा है। आपने कहाँ शिकायत करी? हमने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भाजपा सरकार बनने पर सर्वप्रथम 26/12/2017 व दूसरी शिकायत 25/2/2018 को एवं काफ़ी जनप्रतिनिधियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उस समय जमीन हमारी खाली थी। भूमाफिया के संगठित गिरोह द्वारा अवैध निर्माण शुरू होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिनांक 2/3/2018 को अवैध निर्माण रोकने हेतु शिकायती प्रार्थना पत्र दिया एवं भाजपा सरकार का पहला साल नई मिसाल प्रोग्राम में माननीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी एवं माननीय प्रभारी मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को सर्किट हाउस बरेली में अवैध निर्माण रुकवाने हेतु शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रकरण में न्याय दिलाने वाले मीडिया वाले भाइयों ने माननीय मंत्री जी के संज्ञान यानी जानकारी में दिया, उसमें हमारे मीडिया वाले भाइयों को पीड़ा मिली। इसके लिए मैं अपने न्याय प्रिय मीडिया वालों भाइयों से क्षमा चाहता हूँ और उसके लिए मुझे बहुत बड़ा खेद है। अभी दिनांक 4/11/2020 को हमारे नए SDM साहब जिन्हें चार्ज लिए हुए लगभग 15 दिन हो गए, मैं आए और उन्होंने क्या कहा ये तो उनके सामने ही बताया जाएगा या पीछे सही नहीं है, और आगे कहा कि तुम्हारे धरना देने से क्या होगा, इस पार्क पर कब्जा कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने लेखपाल जी को आदेश दिया कि नाम नोट करो। आदरणीय न्याय के चौथा स्तंभ न्याय दिलाने वाले समस्त भाइयों मीडिया वाले, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध एवं प्रार्थना है कि जनहित, समाज हित, न्याय हित एवं राष्ट्रहित में माननीय न्यायप्रिय श्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय न्यायप्रिय लोकप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार को उपरोक्त संदेश जरूर जरूर भिजवाने की कृपा करें। और आज हमें दिनांक 22/12/2020 से दिनांक 6/11/2020 46वां दिन हो गए हैं, परिवार पर अनशन बैठा हुआ है लेकिन न्याय नहीं मिला है।